क्या आपके मन में भी एक सवाल आता है कि यार एपेक्स लेजेंड मोबाइल एकदम ही नया नया गेम है, क्या आपको लगता है कि यार इस गेम में कौन सी ज़्यादा बेहतरीन गन है? तो चिंता मत करिए, आपका भाई हाजिर है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, और मैं बताने वाला हूँ कि एपेक्स लेजेंड मोबाइल में कौन सी ज़्यादा बेहतरीन गन है जो आपको यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारे किल्स ले जाओगे। तो फिलहाल ये तीन, जैसे कि आप गन देख सकते हैं, तीनों गन आपको ड्रॉप में मिलेगी। तो सबसे ऊपर है हमारी एक स्नाइपर जिसका नाम है क्रेबर, और ये वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर है इस गेम में। ये एक गोली अगर हेड मारोगे तो बंदा ऑलमोस्ट डेड है, और अगर बॉडी भी लगेगा तो मतलब बंदा हिल जाएगा। सेकेंड गन है पीस कीपर, ये भी ड्रॉप में मिलती है, और एक शॉर्ट गन है। इसमें एम अच्छा होना चाहिए लेकिन गन बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजर डैमेज दे सकती है। और तीसरी गन है मशीन गन की तरह, जैसा कि आप जानते हैं मशीन गन तो होती किस काम के लिए है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, एक स्नाइपर होती है, लेकिन ये सब छोड़ो, लेकिन आपको मैं आपको मेन गन दिखाता हूँ कि कौन सी यूज़ करनी चाहिए और कौन सी हमेशा पिकअप करके रखनी चाहिए। ये गन लाइट एमओ की मिलती है आपको R301 कार्बाइन करके, और ये वन ऑफ द बेस्ट गन है। इसका फायर रेट और डैमेज दोनों ही काफ़ी अच्छा है, तो इस गन को हमेशा उठा के रखना। और इस गन में एक बात ध्यान रखना है कि ये गन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो इसके साथ एक्सटेंडेड मैगजीन जरूर लगा के रखना, नहीं तो आपका फाइट में क्या होगा कि गन रिलोड पर आ जाएगी और आपको फिर गन स्विच करनी पड़ेगी। और दूसरी गन मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बेस्ट है, वो गन हैवी एमओ की है और उस गन का नाम है फ्लैट लाइन, और ये भी वन ऑफ द बेस्ट गन मेरे को लगती है इस गेम में। मतलब एकदम खतरनाक M4 कह सकते हो उसे, दूसरे गेम की इतना बढ़िया गन है। बस क्या कहते हैं, क्लोज से लेके लॉन्ग से लेके मिड से लेके हर एक फाइट निकाल सकते हो अब इस गन से बड़ी आसानी से, बहुत ही प्यारी गन है। बाकी हम जहाँ थे, देखो आपको स्नाइपर दिखाता हूँ। स्नाइपर में कुछ इस प्रकार की स्नाइपर होती हैं, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी स्नाइपर हैं, बस एम अच्छा होना चाहिए। बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ ट्रिपल टेक मिलेगी तो ट्रिपल टेक उठा लो, ये भी काफ़ी अच्छी स्नाइपर है। ये मेरे को मतलब बढ़िया लगती है बंदों को मारने के लिए, इसका फायर रेट भी काफ़ी सही है। और फिर ये हैवी एमओ की कुछ गन है, काफ़ी लोग विंगमैन प्रीफर करते हैं यूज़ करना, मतलब इसमें लेकिन ना थोड़ा हार्ड हो जाता है अगर आपका एम नहीं लगा और बंदे पे कोई ऑटोमेटिक गन हो तो वो एकदम ही उड़ा देगा आपको। फिर एनर्जी एमओ की ये कुछ गन्स आती हैं, एनर्जी एमओ की जो ये गन्स है ना, इसमें से ये डिवोशन वाली गन बड़ी खतरनाक है, मतलब बंदा बहुत गंदे तरीके से मार सकते हो आप इससे। लेकिन इस गन में ना एक वो होता है अटैचमेंट जिसका नाम है टर्बो चार्जर, उसे लगा लोगे तो मतलब मज़ा into 100 हो जाएगा, उसे ज़रूर लगा के रखना अगर ये वाली गन उठाओगे। लेकिन ये गन भी बहुत ज़्यादा ओपी है, खतरनाक फायर रेट हो जाता है इस गन का, बहुत ज़्यादा डेंजर, मतलब मज़ा आ जाएगा चला के ये गन भी। और फिर आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी गन रह गई थी। तो एनर्जी एमओ में जो गन होती हैं, बाकी सारी गन अच्छी हैं, वोल्ट गन भी यूज़ कर सकते हो, वोल्ट भी काफ़ी अच्छी है, बस वो एमओ की दिक्कत है इसमें ना, ये बंदों को मारते मारते एमओ ख़त्म हो जाएगी बीच में, ज़्यादा ही तेज है इसका फायर रेट। और ये सब एल स्टार वगैरह सब भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सही गन है, बट ये एल स्टार गर्म हो जाती है। और फिर ये सारी छोटी मोटी गन आती हैं जो आपको हमेशा मिल ही जाती होंगी, जैसे कि अल्टरनेटर है और ये R99, ये भी काफ़ी अच्छी गन है, दोनों का फायर रेट बहुत कम है, बस ये दिक्कत आती है, मतलब बंदों को आप मारोगे ना तो दो गन स्विच करनी पड़ जाती है इसमें फाइट के बीच में एक बंदे को मारने के लिए। गन दोनों अच्छी हैं। और यहाँ आती है हमारी नॉर्मल सी शॉट गन, तो इस शॉट गन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा EVA 8 उठाओ, EVA 8 वन ऑफ द बेस्ट शॉट गन है, क्योंकि इसमें ना मोटा मोटा सा क्रॉसर रहता है तो मारने के लिए भी आसानी रहती है बंदों को, और काफ़ी मतलब सही है। और ये मैस्टिव वाली उठाओगे तो ये थोड़ा हार्ड है बंदों को मारना इन फाइट इसका, क्योंकि एम थोड़ा छोटा सा रहता है और कुछ पिन पॉइंट एक्यूरेसी सी रहती है। बाकी गाइस यही कुछ प्रकार की गन थी, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर भी पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।